पिछले क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडियोलॉजी किस तरह रशियन रेवोल्यूशन को तसर दिया वो हम चर्चा किए, और उसके साथ साथ रशियन सोसाइटी के बारे में और वहाँ का लेबर्स की हालात, और वो लेबर्स की हालात को सोल्यूशन देने के लिए कम्युनिज्म की इमरजेंसी, ये सब के बारे में हम चर्चा कर चुका है। और उसके बाकी कम्युनिज्म आने के बाद सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड हो गया रशिया में, और ये सोशलिज्म आइडिया को बहुत सपोर्ट भी मिला, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1819 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड ऑल द थ्रू यूरोप एंड दे फॉर्मड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। और 1807 में सोशलिस्ट आइडियाज़, तो फ्रेंच में जो आइडियाज़ हुआ वो आइडियोलॉजी रशिया में हर जगह पे स्प्रेड हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में और ख़ासतौर पर रशिया में भी स्प्रेड हो गया है। और वहाँ का एक सोशलिज्म का आइडिया को मोटिव करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी भी फॉर्म किया, उसका नाम है सेकंड इंटरनेशनल। और उसके साथ साथ एसोसिएशंस वर फॉर्मड बाय वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। लेबर्स का वर्किंग कंडीशन थोड़ा भी डेवलप होने के लिए वो लेबर्स एसोसिएशन फॉर्म हो गया जर्मनी में और इंग्लैंड में। और द लेबर पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी, दो पार्टी है, लेबर पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, वर फॉर्मड बाय सोशलिस्ट्स एंड ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन और सोशलिस्ट दोनों मिला के दो पार्टी को फॉर्म किया, एक लेबर पार्टी है दूसरा सोशलिस्ट पार्टी है, ये तो 1905 में। तो ये तीनों मतलब एक इंटरनेशनल सेकंड इंटरनेशनल बोल के एक जनरल एक एक ग्रुप वो तो 1870 में, और दूसरा जर्मनी में और इंग्लैंड में बहुत लेबर्स पार्टी, फिर 1905 में लेबर पार्टी सोशलिस्ट पार्टी। तो ये सब पार्टियों मिलके सोशलिस्ट आइडियाज़ को आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट दिया। ये आइडियोलॉजीज़ में बहुत लोग शिरकत होने की वजह से और ये आइडियोलॉजी स्प्रेड होने की वजह से इसके इफेक्ट होकर रशियन रेवोल्यूशन 1917 में वाकई हो गया। वो है रशियन रेवोल्यूशन। In the October Revolution of 1917, socialists took over the government in Russia. The fall of monarchy in February 1917 and the events of October were termed as the Russian Revolution. तो पहले जो बताया वो सब वाक्य के इफेक्ट होकर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। रशियन रेवोल्यूशन बोले तो एक दिन का एक रेवोल्यूशन नहीं, वो तो फरवरी से 1917 का फरवरी से शुरू लेकर और जो अक्टूबर तक रशिया में जो हुआ एक सीरीज ऑफ अटैकिंग, उसको एक टोटल नाम है रशियन रेवोल्यूशन। तो ये रशियन रेवोल्यूशन अभी समझे फरवरी में कुछ वाक्य हुआ है और अक्टूबर में भी कुछ वाक्य हुआ है, ये सब क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तभी रशियन रेवोल्यूशन हुआ है 1917 में, तो एक ही दिन का इश्यू नहीं, 1719 में लगातार एक 6-7 महीना जो रशिया में हुआ एक मुसलसल प्रोटेस्ट का एक टोटल टर्म है रशियन रेवोल्यूशन। और वो तो 1917 का रशियन रेवोल्यूशन बाकी होने के लिए वहाँ के एम्पायर के बारे में थोड़ा समझना है। तो रशियन एम्पायर 1914 में उन लोग किस तरह हुकूमत किए, हुकूमत में हुकुम किए थे। इन 1914 रशिया वाज रूल्ड बाय सार निकोलास टू एंड इट्स एम्पायर। और रशिया में सार निकोलास टू था, उसके पहले सार निकोलास वन था। तो 1914 से रशिया का राजा सार निकोलास टू है। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारस, और स्ट्रेचनिंग टू द पैसिफिक एंड कंप्रेस्ड टुडेज सेंट्रल एशिया स्टेट, सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अभी का रशिया तो दुनिया का सबसे बिगेस्ट कंट्री है, और उस वक्त का
1914 में जब सार निकोलास का एम्पायर का रशिया बोले तो यूरोप का बहुत कंट्रीज, आज का फिनलैंड, लैटविया, एस्टोनिया और पोलैंड का कुछ पार्ट, यूक्रेन, ये सब जगह शामिल किए थे। और उसके अलावा एशिया का जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब पूरा मिला हुआ एक एकदम बड़ा एक बिग कंट्री है उस जमाने का रशिया। और रशिया का मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, वहाँ का रिलीजियन मजहब रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी दो टाइप है, ऑर्थोडॉक्स भी है, कैथोलिक्स भी है। तो रशिया में जो अक्सर मेजर पीपल क्रिश्चियन रिलीजन को इत्तेबा करने वाले थे, वो क्रिश्चियनिटी में ही दो टीम है, उसमें से अक्सर लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले थे। फिर वो 1914 में वहाँ का रशियन पीपल का इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी रशियन पॉपुलेशन वॉज डोमिनेटेड बाई एग्रीकल्चरिस्ट्स हु यूज्ड टू कल्टिवेट फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। तो 20th सेंचुरी का फर्स्ट में, मतलब 1920 तक, मतलब रशियन रेवोल्यूशन होने से पहले, वहाँ जो अक्सर लोग एग्रीकल्चरलिस्ट है, मतलब उन लोग अपने लिए और मार्केट पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए कल्टीवेट किए थे। और वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरियाज, दो मेन एरियाज है, एक सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, मॉस्को तो अभी का रशिया कैपिटल है, और सेंट पीटर्सबर्ग, ये दोनों प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज था उस जमाने में। और एक एग्रीकल्चर, दूसरा तो क्राफ्ट, क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ द पावर प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एक्सिस्टेड अलॉन्ग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप। और वहाँ एग्रीकल्चर के साथ क्राफ्ट मेकिंग भी था, लेकिन ये तो क्राफ्ट का शॉप और उसका फैक्ट्रीज कैसे था, अलॉन्ग साइड सब एक साथ मिल के है। ओके, तो एक सिटी में और दूसरा इंडस्ट्री दूसरे सिटी में ऐसा नहीं था, सब मिलके एक प्रोडक्शन का फैक्ट्री से एक ही साथ था। इन द 1919s मोर फैक्ट्रीज वर सेटअप आफ्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल इंक्रीज्ड इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड 1890 के बाद रशिया में जो बाहर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, तो उसके वजह से इंडस्ट्री ज़्यादा हो गया। मतलब वो 20 सेंचुरी के फर्स्ट में क्या है, ये तो डेवलपमेंट का थोड़ा डेवलपिंग हो रहा है। ओके, रशिया एग्रीकल्चर एरिया में और क्राफ्टिंग एरिया में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सब होने का टाइम है। ओके, लार्ज फैक्ट्रीज वर सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड हावर्स ऑफ वर्क। वर्कर्स वर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप, they were also divided by their skill. Despite division, workers united to stop work and they disagreed with the employees about dismissal or work condition. तो वहाँ agricultural है, industries है, बहुत industry किसके under पे थे, government के under पे है, लेकिन इन लोग government minimum wage और limited hours of work, 8 घंटा 10 घंटा लगातार काम करना है, और जितना काम करता है उतना पैसा वेज लेबर्स को नहीं मिलता है। तो लेबर्स भी अलग अलग डिवाइड किए थे, क्राफ्ट करने वाला टीम उन लोग एक डिवीजन का, और कल्टीवेशन करने वाला एक डिवीजन, और अलग अलग जॉब के हिसाब से लोग डिवाइड किए थे वर्कर्स। तो इन लोग ये सोशलिज्म सब आने के बाद सब डिवीजन हटाकर सब मजदूर लोग मिल के, ये तो वहाँ का गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब सार निकोलास के खिलाफ इकट्ठा हो गए। पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी, नोबिलिटी मीन्स द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। नोबल्स गॉट पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेस टू द सार। इन रशिया पीसेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स। और वहाँ की हालत ये था, तो अक्सर लैंड किसके अंडर पे है, नोबल्स के अंडर पे है। वहाँ जो अक्सर पॉपुलेशन पीसेंट्स है, तो पीसेंट्स बहुत बहुत मेहनत से कल्टीवेट करता है, लेकिन
लैंड किसके अंडर पे है? नोबिलिटी के। नोबिलिटी माना मतलब वहाँ का जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पहले ही बताया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले थे रशियन का अक्सर लोग, तो ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का जो प्रीस्ट हुए उनको ज़्यादा पावर मिले थे, क्योंकि उन लोग जो मजहबी कानून को सार निकोलस के हिसाब से चेंज वगैरह करके उसको सपोर्ट दिया था, इसलिए उनको भी ज़्यादा सपोर्ट मिला सार निकोलस की तरफ से। तो ये नोबिलिटी के अंडर पे था अक्सर लैंड। तो पीसेंस वो तो नोबिल नोबिलिटी पीपल से मतलब नोबल से क्या लेने चाहते थे, वो लैंड मिलने चाहते थे और उनका वेज को बढ़ाने चाहते थे। तो ये सब पर्पस के लिए उन लोग इकट्ठा होकर रशिया में कुछ रेवोल्यूशन चलाया, वो है रशियन रेवोल्यूशन। ओके, तो ये रशियन रेवोल्यूशन वाकई होने का सबब आप लोगों समझ लिया है, फिर किस तरह ये रेवोल्यूशन वाकई हो गया वो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।